नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम दुनिया के उस पवित्र रिश्ते की बात करने जा रहे हैं जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो जीवन में गाड़ी के पहिए की तरह एक दूसरे के साथ चले तो जीवन की रफ्तार को सही रूप से चलाते हैं, मगर यदि एक दूसरे के विपरीत चलें तो केवल दुर्घटना को ही अंजाम देते हैं। पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना अधूरे हैं, इसलिए इस रिश्ते की मिठास का फल पूरे परिवार पर प्रभाव डालते हैं। अगर रिश्ता अच्छा हो तो परिवार में एकता, मान सम्मान, आर्थिक संपन्नता तथा बच्चों पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ यदि आपस में सामंजस्यता ना हो तो उसके दुष्परिणाम पूरी जिंदगी सारे परिवार को ही झेलने पड़ते हैं। यह सृष्टि का 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र तथा उसकी स्थिति का अपनी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही हम सही कारण, कारक, अकारक ग्रह तथा उसके शुभ तथा दुष्परिणाम को जान सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विश्लेषण अति आवश्यक है। परंतु फिर भी आज हम कुछ ऐसे योगों व ग्रहों की स्थितियों की चर्चा करेंगे जिसके विशेष लक्षण हमें एक नज़र में उससे संबंधित परेशानियों को दर्शा देती है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, उस पर पाप ग्रह जैसे कि राहु, शनि, मंगल, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, पीड़ित बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि हो या फिर नीच व वक्री ग्रह बैठे हों या दृष्टि संबंध बना रहे हों तो दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी कर देते हैं। सप्तम भाव पर पाप ग्रह के बैठने से भी दुष्परिणामों को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में सुख ना मिलना, पति पत्नी में सामंजस्य ना होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब परिणाम देखे जाते हैं। इसमें सर्वथा ये देखा जाता है कि यदि सप्तम भाव में सूर्य ग्रह बैठा होता है जो शासक ग्रह माना जाता है तथा राजा होने का कारक ग्रह है, और चाहे यदि साथ में बुध ग्रह भी बैठा हो तो निष्प्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी प्रभावकारी, हर कार्य में अपनी टांग ऊपर रखने वाला हो सकता है। वह प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं परंतु एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुश्मनी बहुत लंबी करते हैं, जिनकी जितनी सेवा भी कर लो तो भी वह अपने जीवन साथी की तारीफ नहीं करते। दोष निकालते हैं अपने स्पाउस की हर एक्टिविटी पर, वे चलाक किस्म के होते हैं, अपना काम निकालने की निपुणता होती है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। किसी भी कार्य के लिए वे अपने जीवन साथी को मना कर सकते हैं। कई दिनों तक ऐसे जीवन साथी नाराज भी रह सकते हैं। व्यक्तिगत उनका बहुत ही आकर्षित होता है, जिन्हें समाज में सब बहुत महान समझते हैं परंतु वे घर में बिल्कुल पूरक होते हैं। ऐसे जातक कार्य करने के तरीके से सबको कायल कर देते हैं। अक्सर उन्हें स्किन एलर्जी भी हो सकती है, दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं, स्वयं के घर वालों पर खास ध्यान नहीं देते, अपने जीवन साथी के मामले में कोई ध्यान नहीं देते।
इसके विश्लेषण में कृपया आप सूर्य की डिग्री को भी चेक करें। जन्म कुंडली में दोष उसी के हिसाब से होते हैं। अगर आप भी ये सब झेल रहे हैं तो सप्तम भाव पर ज़रूर क्रूर व पापी ग्रह की दृष्टि होना, युति या नीच व वक्री ग्रह का प्रभाव होना आवश्यक है। वैसे तो उपाय अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जिस ग्रह दोष के कारण है उसी के विश्लेषण के बाद ही करें, पर साधारणतः आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, सूर्य को जल सदैव 8 बजे से पहले ही दें। अगर आप सूर्य उदय के समय दें तो और भी बढ़िया है। नंबर 2, रात को तांबे के लोटे में जल भरकर अपने बेड के साइड पर रख कर सो जाएं और सुबह जब सूर्य को जल दें तब उस सूर्य के जल में चावल रोली गुड़ डालकर देते समय नीचे कोई बर्तन रखें ताकि जल उसी में जाए और उस बर्तन के जल को मनी प्लांट तथा तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में डालें। ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप अवश्य ही करें। अगर हो सके तो रोज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। नंबर 3, घर में एलोवेरा पौधा ना लगाएं, क्योंकि एलोवेरा पौधा राहु का कारक होता है जो घर में राहु को एक्टिवेट करता है। नंबर 4, गुड़ का दान किसी गरीब को करें, परंतु ये विशेष ध्यान करें कि वह गरीब व्यक्ति झुर्रियों वाला ही हो। नंबर 5, अपने बेड के पास तिल के तेल का दिया जलाएं तथा उसकी बाती आप कलावे से ही बनाएं। नंबर 6, गणेश जी की पूजा करें और अगर हो सके तो प्रत्येक बुधवार को उन पर दुर्वा घास चढ़ाएं। नंबर 7, सफ़ेद चंदन को सोमवार को शिवलिंग पर जाकर सर्वप्रथम दूध मिश्रित जल के साथ सादा जल चढ़ाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसके बाद उस सफ़ेद चंदन को घिसकर फिर से शिवजी से प्रार्थना करें कि वह आपके दाम्पत्य जीवन को बचाएं। उसके बाद शिवलिंग पर गुड़ तथा चावल चढ़ाएं। उस घिसे हुए सफ़ेद चंदन को नित्य चंद्रमा की रोशनी पर रखें और फिर उसके पश्चात जो भी रविवार आएगा उस रविवार से अपने जीवन साथी को उसी चंदन से तिलक करें। ऐसा उपाय करने से आपके रिश्तों में सुधार आने लगेगा। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिष सूत्र तथा उसके उपाय जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तथा कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।